ناظرين جيه اصلا دوستان کي ٻڌايو ته اسين جيڪو سلسلو شروع ڪيو آهي ان بابت اڄ جيڪا اسان پرسنلي ڊسڪس ڪنداسين اها لياقت علي خان آهي پاڪستان جو آزاد ٿيڻ کان پوءِ پهريون وزير اعظم رهيو آهي ۽ لياقت خان علي خان تمام وڏي هڪڙي گهڻا وٺي پرسنلٽي آهي ان جي بابت اسين ڄاڻينداسين ته لياقت علي خان ڪيئن ٿيو ڪٿان ٿيو ان جو سياسي ڪيريئر ڇا ٿيو ان جي تعليم بابت بي ڄاڻينداسين ۽ ان جي ڊيٿ ڪيئن ٿي ان تائين असीं हुनजो इंशाफ़ जेके थिया आहिनि डेथ ताईं ऐं हुनजी जेका कमीशन जी रिपोर्ट आहे उन ताईं पाण ॻाल्हाईंदासीं त हुनजी डेथ में कहिड़ी कहिड़ियूं अहम सीक्रेट्स रही आहे कहिड़ा कहिड़ा अहम जेकियूं ॻाल्हियूं हुयूं जेकियूं लॉजिकल रहियूं ऐं आख़िर ताईं ज़ाहिर थी सघे ऐं पंहिंजे महिमान खां अली मुस्तफ़ा संग्रासी ही तमामु सुठो असांजो दोस्त पढ़ंदड़ में आहे तहक़ीक जान बि आहे ऐं तमामु घणियूं हुनजूं कोशिशूं आहिनि त पाकिस्तान जे हवाले सां पाकिस्तानी तारीख़ जे हवाले सां मुश्तबा जी तमामु घणियूं कोशिशूं आहिनि त हू हिन पाकिस्तान जी जेका नॉलेज आहे पाकिस्तान जी जेका तारीख़ आहे आसान करे अवां नाज़रनि ताईं पहुचाए त जीअं अवां ई असां हिन पाकिस्तान जी तारीख़ जो बहितरीन नमूने सां ऐं हक़ीक़ी नमूने सां जेको आहे मुतालो करे सघूं ऐं सम्झी सघूं सभ खां पहिरियां आउं पंहिंजे महिमान खां पुछंदुसि त अॼु जेका असांजी अहम पर्सनालिटी आहे जेका डिस्कस थियनि पिया उहो केरु हुयो उहो किथां खां आया हुया हुनजा वॾा ऐं हुनजो तारफ़ कहिड़ो आहे बस अगीर में हुनजी एक्सपीरियंस छा आहे उहो असांजे दोस्त तव्हांखे ॿुधायो महिरबानी लियाकत अली नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान जो पहिरियों वज़ीर आज़म हो न सिर्फ़ु पाकिस्तान जी अहम सियासी शख़्सियत हुआ पर हू बरेसरी जी हिकिड़ी अहम सियासी शख़्सियत हुआ नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान 1899 डिस्ट्रिक्ट करनाल जेको मुतहदा पंजाब हो 1947 खां अॻु वारो पार्टीशन कयो आहे उन में पैदा थिया लियाकत अली ख़ान जो जेको तालुक़ु हुयो हुन ज़मीनदार ख़ानदान सां हुयो पाण जेके ज़मीनदार हुआ ऐं ख़ानदानी ज़मीन हुयूं मां मिल्कियत वग़ैरह हुयूं लियाकत अली ख़ान जा जेके अबाणा हुया उहे ईरान मां हली आया हुआ ऐं हुनजो असब नसब जेके तारीख़दान लिखंदा मुख़्तलिफ़ किताबनि जे अंदरि यानी असांजी टीम तहक़ीक़ करे वठी आई आहे शयूं हुनजो असब नसब ईरान जो जेको हिकिड़ो बादशाह हुयो मुशरवान आदिल उन्हनि सां वञी मिले थो ऐं तक़रीबनि 1947 खां 1400 सालनि में हुननि जा वॾा जेके हुआ हुन मुशरवान जे दौर में ईरान खां हली करे मुतहदा हिंदुस्तान में आया ऐं पंजाब ऐं यूपी जे विच जे अंदरि जेको शहर करनाल डिस्ट्रिक्ट उते जी आबाद थिया लियाकत अली ख़ान 1899 जे मां ॿुधायो पैदा थिया हुननि जी शुरूआती तइलीम त उते ई जेके लोकल इदारा हुआ या जेके लोकेलिटी हुई उते ई थी ऐं उनखां पोइ लियाकत अली ख़ान 1918 में जेको बी ए कई उहो अलीगढ़ कॉलेज में कई उनखां पोइ उहो आला तइलीम लाइ हलिया विया इंग्लिश खां 1819 में उते हुननि बैरिस्ट्री जे लाइ एक्स्ट्रा ऑक्सफोर्ड जो जेको कॉलेज आहे उते दाख़िला वरिती ऐं 1921 में ला करे हुतां वापसि मोटिया ऐं 1922 में बाक़ाइदा ॿार में रोल थिया ऐं पंहिंजो हिकिड़ो प्रोफेशनल केरियर उतां खां हलासीं हिन दोस्त असांखे ॿुधायो त लियाकत अली ख़ान जा जेके हस नसीब जेको हुयो जेको हुनजा अॻिला हुया उहो यादि खाया हुया सदाई सलीम जे अंदरि ऐं जेको असांजे ईरान जो बादशाह हुन टाइम जो शीर वान आदिल हुन सां हुननि जो तालुक़ु हुयो हाणे असीं दोस्त खां पुछूं पिया त लियाकत अली ख़ान जॾहिं तालीम हासिलु करे अचे थो त छा हुनजी तालीम जे दौरान सियासत जे बरे सलीम जी जेका सियासत आहे उन ते नज़र हुई ऐं हुन पंहिंजो सियासी केरियर जेको आहे कॾहिं जेको आहे पंहिंजी शुरूआत कई सियासी केरियर जी ऐं हुन कीअं कई पंहिंजे सियासी केरियर जी शुरूआत हुन हवाले सां दोस्त सां ॻाल्हि कंदुसि नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान जो जेको ख़ानदान हो उहो पंहिंजे इलाइक़े में हिकिड़ो असर सुठो ख़ानदान हो जेके सियासी समाजी मुआशी जेके बि मसला हुया हुन में हाईली एक्टिव हुया ऐं ईअं थी ई कोन पई सघियो त पोइ अहिड़ी फैमिली सां तालुक रखियो नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान सियासत में न अचनि बाक़ाइदा जेको हुननि प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स जे अंदरि जेको हुननि जी इंट्रेंस आहे 1926 में थी आहे जॾहिं हू प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव असेंबली जेको आहे यूपी जा मेंबर बणिया उनखां पोइ 1940 में हू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जा मेंबर पिणु बणिया इन जे विच में तव्हांखे थोरो ॿुधाईंदो वञा त मुस्लिम लीग जेका हुई उहा हिकिड़ी अम्ब्रेला हुई हुन अम्ब्रेला जे अंदरि मुख़्तलिफ़ धुरा हुआ ऐं नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान जे लाइ इहो मशहूरु आहे त हू हिकिड़े माना ज़मीनदार या फ्यूडल जेको धुरो हो हुन सां तालुक रखंदा हुया ऐं जेका हुननि प्रोविंशियल जी सॼी पॉलिटिक्स कई आहे उहा उन घुरे जे बेसिस ते ई यूपी जे अंदरि या मुतहदा जेको पंजाब या लखनऊ वारो साइड हुयो
जो सियासत के अंदर जो मेन मोड अचे तो या पाने के टर्निंग पॉइंट चुन या अहम पॉइंट चुन वह है 1940 में जैसे वो फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर थे था 1946 में अहम मोड अचे तो जैसे अन्या पार्टीशन ना थी मुतहदा हिंदुस्तान के अंदर वाइसराय काउंसिल थे जैसे तारीख से जाने हमें खबर होती है वाइसराय काउंसिल के अंदर कांग्रेस का मेंबर भी हुआ मुस्लिम लीग के मेंबर भी हुआ उन्हें में नवाबजदा लियाकत अली खान की जो एहसास हासिल है तो पा मुतहदा हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुतहदा हिंदुस्तान जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर हुए लियाकत अली खान के बारे में ये मशहूर आया तो उन्हें दौर में कॉमन मेन्स बजट में हो हालांकि लियाकत अली खान के तालुक फिडुल घराने से ते हुंदे भी उन्हें पैंजा पर्सनल इंटरेस्ट पूरे रखा मिसाली कॉमन मेन्स बजट में जो अत तारीख में मशहूर है लियाकत अली खान सियासत जो बाकायदा जो आगाज कर प्रैक्टिकल आगे या मुस्लिम लीग कई प्रोविंशियल लेवल से मुख्तलिफ धुरन से सियासत प्लेटफॉर्म से सियासत कहता रहा पा कायदे आजम आल इंडिया मुस्लिम लीग के अगुए रहा समझा वा कायदे आजम घणी महफिल के अंदर लियाकत अली खान के दस्ते राज को घा कॉन्ट्रोवर्सीज घाई राइटर्स लिखन के बीच में कुछ तख गाल पर अक्सर जो हिस्टोरिशन जो राय यो कायदे आजम मुस्लिम लीग के अंदर पान का जैसे राजक्रम करता हुआ नवाबजदा लियाकत अली खान हुआ पा जैसे पाकिस्तान आजाद थे तो लियाजम कायदा एडी डोमिनेट पर्सनैलिटी लियाकत अली खान के अलावा नी नजर अचे वजीर आजम के होंगे अहम हो अगर इन कर नवाबजदा लियाकत अली खान के कायदा वजीर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1947 ताईं लियाकत अली खान जो पंहिंजा सियासी सफ़र शुरू करे थो 1940 खां वठी हुन खां पोइ 1947 ताईं हिकु डॉमिनेंट पर्सनैलिटी जेका असांजी एमर्ज थी अचे थी लियाकत अली खान जी ऐं वज़ीर आज़म थियनि था पाकिस्तान जा हाणे असीं दोस्त खां ॿुधूं था जॾहिं वज़ीर आज़म थी वञनि था लियाकत अली खान पाकिस्तान जा हुनखे वज़ीर आज़म थियण खां पोइ जहिड़ा चैलेंज साम्हूं अचनि था ऐं उन खे उहो लियाकत अली खान कीअं हैंडल करे थो 1947 में पाकिस्तान चाहे तो की घाई चैलेंजेस वाजी दरपेश हुआ एक असो फाइनेंशियल शेयर एग्जैक्ट थो पे वो इंडिया की तरफा अ मिलो असंके जैसे मशहूर है गांधी जी इंडिया अंदर स्ट्राइक कई उनखा अलावा पाकिस्तान के एक्सिस्टेंशियल थ्रेट भी हुए पाकिस्तान के यूथ के भी खतरो हो आर्म फोर्सिस वेल इक्विप्ड हो आर्म इंडस्ट्रीज वेपन इंडस्ट्रीज पॉसिबल माशी तौर से वीक हो असल ईस्टर्न बॉर्डर ते इंडिया हो जैसा तलख अस तारीख रही बिल्कुल तलख ही रतो छाण का अलग थे अस वेस्टर्न बॉर्डर से वही अफगानिस्तान हो अफगानिस्तान वो वाइट मुल्क अकबरदा में पाकिस्तान की इंट्री से भी सवाल उठा रहा छो तो अफगानिस्तान में क्लेम हुई तो पेशावर है फ्रीडल जो इलाका लेकिन वो अफगानिस्तान जो है हालांकि बाकी मामला जी सही थी लियाकत अली खान खास कर जिन्हें दुनिया में वफात का सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लियाकत अली खान के अच्छी हालांकि गवर्नर जनरल जो उर्दू डो अहम हो पर लियाकत अली खान सब जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पावर पा रखा था जो मामला के सही हल्ए वे में वो जो मसलो हो पाकिस्तान के वो फाइनेंशियल मसलो हो इन कर लियाकत अली खान शुरू शुरू में फाइनेंस जो कमकार रिस्पॉन्सिबिलिटी पा रखी फॉरन मिनिस्ट्री भी उन्होंने शुरुआती दिन में मैंने मान करी जो बिल भी पाया है फॉरेन मिनिस्टर वो देर साहब आई थी अच्छा लियाकत अली खान ने जैसे मुल्क जब इजाज संख्या खास कर कहते हैं उन्होंने बोले जो भी था वो पाकिस्तान के वंशी मसला इलाही खान अच्छी लगा लेकिन पाकिस्तान के इलाही घना वंशी मसला अच्छी लगा तब वो लियाकत अली खान जो ही तजुर्बो ही हो एक तो उन्होंने सियासी तजुर्बो लीडरशिप स्किल्स बो वरी मुतहदा हिंदुस्तान के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा हुआ तो पाकिस्तान में मुआशी क्राइसिस का बाहर इतने लियाकत अली खान के तल्ख फैसला करना पे इन बारे में मशहूर है लियाकत अली खान के बिन उन टाइम में सब जंग जो दौर हो लियाकत अली खान के यूएसएसआर की तरफा भी दावत मिली है अमेरिका की तरफा भी दावत मिली है लियाकत अली खान जो सो अमेरिका की दावत कबूल कई उतने भी दौरों पे वो इन कर पाकिस्तान के उन टाइम में दरपेश मसला हुआ एक कश्मीर जो मसलो हो मुआशी मसला हुआ उनकी हल के लिए उन टाइम के वाइट ऑप्शन जो हो कैपिटलिस्ट ब्लॉक से गुड हुजन ही हो इन ही अस इन पॉइंट के अंदर पाकिस्तान में शुरू शुरू में थोड़े अरसे के लिए
हिकड़ो अन जो बहुमान बचे तो जिन जिन लाइ वरी कोई जो को जाओ अचे तो अमेरिका जो वही पाकिस्तान जो लाइन तो थी अचे तो अमेरिका पाकिस्तान की मिलिट्री असिस्टेंस भी दी फाइनेंशियल हेल्प भी दी ये जो जब शुरुआत मसला हो गया जबकि याकूब अली खान फेस कया लेकिन इंडिया जबरदस्त नमूने से पंहिंजी लीडरशिप स्किल्स ज़ाहिर कई ऐं हुननि खे हल करण जी भरपूर कोशिश कई दोस्त खां आया सवाल इहो पुछण वारी हुई त याकूब अली खान जो जेको कश्मीर जे हवाले सां जेको किरदारु हुयो पुछायो पर हुन तव्हांखे पहिरें वटि जवाबु ॾेई चुको आहे त याकूब अली खान जो कश्मीर जे हवाले सां हिकु अहम किरदारु रहियो आहे ऐं हुनजो जेको लाड़ो हुयो जेको ट्रेंड हुयो या टेंडेंसी हुई जंहिंजी उहा जेका मगरबी मुल्कनि जे तरफ़ ब्लॉक जे तरफ़ हुन खां पोइ आउं दोस्त खां इहो पुछंदुसि त जेको पराठो वारो कानून हो उहो लियाकत अली ख़ान कीअं पास करायो ऐं उहो छा हुयो हुन बाबति दोस्त खे असां ॻाल्हियूं थी ॿुधायूं एकवंजाह जे अंदर ई लियाकत अली ख़ान परोटा एक्ट खे मंज़ूरु करायो परोटा एक्ट जेको सो मंज़ूरु करायो ऐं लियाकत अली ख़ान इहो एक्ट करे मंज़ूरु करायो त 1947 खां पोइ मुल्क जी जेको सूबाई सियासत हुई उहो ॾाढी पुठियां था थी वई मुख़्तलिफ़ दौरनि जा पाण में जेके सियासी घेरा हुआ हुनजे करे मुल्क सियासी तौर ते बिखरियो पियो हो कमज़ोर हो त लियाकत अली ऐं करप्शन बि हुन दौर में रूज ते हुई लाज़मी ॻाल्हि आहे जॾहिं नओं मुल्क ठहे थो ऐं हुन मुल्क जे अंदरि इदारा जेके अञा ठहनि पिया ऐं इदारा जी रिट जी मज़बूत बि न आहे त मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके सोशल इवल्स हुआ उहे सभु हुन अंदरि हुया कुझु अपॉर्चुनिस्ट माण्हू बि हुया आज सूबे जे अंदरि हुया ऐं तक़रीबन जेके वॾा वॾा सूबा हुया बंगाल हुयो पंजाब हुयो सरहद हुयो सिंध हुयो हुनजे अंदरि जेके मुस्लिम लीग जे अंदरि सूबाई हुकूमत सियासी जुड़ाव पाण में लड़नि लॻा ऐं हुकूमतूं हाईली करप्ट थी वियूं करप्शन ते इल्ज़ाम अचणु लॻा इन ई क्राइसिस खे मुंहुं ॾियण जे लाइ परोटा एतिरा त हुयो हुनजे तहत बैरोक्रेट्स ऐं जेके पॉलिटिशियंस आहिनि ख़ासि करे जेके रूल पिया कनि हुते हुकूमतूं आहिनि उन्हनि जी अकाउंटेबिलिटी हुनजी हुनजी बेसिस ते कई वई ऐं उन जे बेसिस ते जेके माण्हू कंहिं बि मेल प्रैक्टिस जे अंदरि बिल प्रैक्टिस जे अंदरि उन्हनि जो किरदारु हुयो जे शामिल हुया उन्हनि सभिनी खे हुनखे नाइल कयो वियो ऐं पाकिस्तान हिकिड़े प्रोग्राम खां बची वियो तमामु सुठो जेको पराठो जो जेको कानून हुयो जेको लियाकत अली ख़ान पास करायो हुनजे हवाले सां मुंहिंजे तरफ़ खां कई जंहिंजे जो 1949 में पास थियो हुयो ऐं उन खां पोइ लियाकत अली ख़ान जे हवाले सां तमामु घणियूं अहम ॻाल्हियूं आहिनि जेकी असीं मुकमल तौर ते हिन क़िस्त में त डिस्कस नथा करे सघूं पर कुझु चंद ॻाल्हियूं अञा बि असीं डिस्कस कंदासीं त मां दोस्त खां पुछंदुसि त हीउ सवाल असां नाज़रीन खे ॿुधाए त हीउ तमामु अहम सवाल आहे लियाकत अली ख़ान जी जेका हे ख़ारजा पॉलिसी कीअं हुई ऐं हुनजो ख़ासि बलख़ुसूस जेको आहे मुस्लिम मुल्कनि लाइ जेका ख़ारजा पॉलिसी कीअं हुई ऐं हिकिड़ो इतिहाद मशरक़ जेको आहे मिडल ईस्ट ऐं जेको आहे मुस्लमान मुल्कनि सां गॾियल हिकिड़ो लियाकत अली ख़ान इतिहादु ठाहिण पियो चाहियो हुन बाबति छा थो ॼाणे ऐं मुस्लमान मुल्कनि जे बाबति जेको इहो ॼाणे थो हुनजी जेको लियाकत अली ख़ान जी ख़ारजा पॉलिसी हुनजो कहिड़े तरीक़े सां ट्रीट कंदो हुयो ऐं कीअं खणणु पियो चाहियो नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान हिकिड़ो मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हुयो ऐं जी सियासी अॻवानी में त को शक न हुयो पर हुनजी जेका फॉरेन पॉलिसी जा प्रिंसिपल्स हुया उहे इंडिया जा बेसिक हुया ऐं उहे सॉवरन हुया उहे बि सॉवरेनिटी में बिलीव कंदा हुआ हुनजी हिकिड़ी दुनिया जी मुंहिंजा नेचर इहा ई आहे त असां दावत वासूं हेॾी ग़ुलाम जी हैसियत खां आज़ादु थी करे हेॾे आज़ादु कोन थियासीं त लिहाज़ ई ॻाल्हि आहे त इहा जेका आज़ादी जेका हाणे असांखे मिली आहे उहो ख़ुदा जे तरफ़ सां नेमत आहे त हुनखे कंहिं बि जॻह ते कॉम्प्रोमाइज़ करणु तयारु न हुओ खणी हू फॉरेन पॉलिसी जा कहिड़ा बि मार्का हुजनि ॿ टे मिसाल मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हुयुसि 1949 जे अंदरि कॉमनवेल्थ जो इजलास थियो ऐं कॉमनवेल्थ इजलास जे अंदरि जेके कॉमनवेल्थ नेशन्स जेकियूं हुयूं माना जेके अॻे बरतानिया जूं कॉलोनियूं बैठकियूं हुयूं ऐं हाणे उहे आज़ादु हुयूं त हुनजी हिकिड़ी तनज़ीम हुई कॉमनवेल्थ ऐं कॉमनवेल्थ जे ज़रिए जेको अमेरिका जी जेका जेको सॉरी जेको बरतानिया जी राणी हुई उहा हुननि खे कुझु कुझु मामलनि जे अंदरि हुननि जो पावर हलंदो हुयो जीअं गवर्नर जनरल लॻाइनि या फॉरेन पॉलिसी खे डिक्टेट करनि या इकोनॉमिक पॉलिसी खे डिक्टेट करनि हुननि नुक़सान जो 1949 जे अंदरि कॉमनवेल्थ जो इजलास थिए थो सभु ज़ोर हुते वञनि था त बरतानिया वर्ल्ड वॉर टू खां पोइ ॾाढो इकोनॉमिक कमज़ोर थी वियो त हुननि इकोनॉमिक एडजस्टमेंट में कयूं ऐं पाउंड स्टर्लिंग जेको हुनजी करेंसी हुई हुनखे डी वैल्यू में कयो ऐं हुन दौर में पाकिस्तान ऐं इंडिया में आज़ादु थियण वारे हिन जी करेंसी जी वैल्यू पाउंड स्टर्लिंग जे लिहाज़ खां ई सेट थींदी हुई त लाज़मी ॻाल्हि आहे त सभिनी मुल्कनि में चयो त तव्हां जेको करेंसी आहे उहो डी वैल्यू कयो उते लियाकत अली ख़ान
जो स्टैंड करता हूँ सभी मुल्क के अंदर असम की करेंसी जो डिवेल्यूशन न कर सकती। हालांकि नेहरू जो दो असम की करेंसी की डिवेल्यू करना सी तब नेहरू का स्टैंड वर्तो न कही जी की वजह यह भी हुई तो कोरियन वॉर के कर पाकिस्तान के अंदर जो रॉ मटेरियल हो या जो कुछ पाकिस्तान में अन्न हो उनकी दुनिया में वैल्यू जाम हुई। लियाकत अली खान एक दाहो मानो उनकी खबर हुई असम के करेंसी डिवेल्यू करने की का जरूरत न आए असम एक्सपोर्ट्स जी से वो इम्पोर्ट्स का इलाही मथे असम मुताचर पे हैं माशी लिहाज का माशी दोस्त उनकी खबर हुई अगर करेंसी डिवेल्यू न कही इंडिया ने एहतजाज भी किया पाकिस्तान ने प्रेशर पाया बरतानिया की तरफ में तो बरतानिया उसने डिवेल पर उन करेंसी डिवेल्यूशन न कही। अच्छा बियो एक मिसाल था कि बुधाई वाला कॉमन इन्हीं कॉमनवेल्थ के अंदर पाकिस्तान यो पहले पॉइंट रखियो तो कश्मीर जो मसलो इतने जहर में सामने है कहाँ पे जो कानून आया था कहाँ पे तो जी मीटिंग दिया था जिके भी मेंबर कंट्रीज हैं वो पहले बायलेटरल इश्यूज करें डिस्कस करना था तो यो लियाकत अली खान ही हुए वो थी और तो पहले शुरू डिप्लोमेसी सांस अपनी के मजबूर कर तो बताओ कश्मीर जो मसलो पे डिस्कस पे हो एंड दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट व्हेन कश्मीर वाज डिस्कस इंटरनेशनल आई सिर्फ बाय चार मुल्क ना कॉमनवेल्थ के अलावा तकरीबन तीन हफ्ते मुल्क हैं जिनके उन्हें इश्यूज के डिस्कस करें मैं इनको डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के सक्सेस मिली है इंडिया के लिए जो फेल हुई। अच्छा प्यो मुझे बात सवाल हो गई था नवाबजादा क्यों वो कुछ ना कुछ व्यवस्था में मिडिल ईस्ट के अंदर तो नए अलायंस पे चाहे या अच्छा पे चाहे इतने दोस्तों की इलम में इजाफा बंद होना तो नवाबजादा लियाकत अली खान ऐं जने मुस्लिम लीग के मेंबर और सत्ते ताली गांधी में इन्हें इजिप्ट जो दौरों भी का हुई पहले से अंदर जो ना मुस्लिम जो वफ़त हो जो इजिप्ट भी हो गए उन्हें दौर के अंदर एक नेशनलिज्म की लहर आई हुई अरब वर्ल्ड के अंदर ऐं जैसे ताली के जाना उनकी खबर है अरब वर्ल्ड में दौर के अंदर या तो फ्रांस की प्रोटेक्टिव स्टेट्स हो या तो बरतानिया की प्रोटेक्टिव स्टेट्स हो मानो नेशनलिज्म की लहर हुई मानो आजादी की ला आवाज को था पूरी दुनिया के अंदर मानो जो साउथ एशिया में ज्यादा पाकिस्तान में ये नेशनलिस्ट लीडर हो या इंडिपेंडेंस लेना बढ़िया भी होते गया वो रिश्तों उन्हें रवायत के बरकरार रख दे जितने ईरान के अंदर एगो मसलों पे सच्चे तो आए जो ईरान के बात में जो जो सदर हुए डॉक्टर मुसद्दिक उन्हें छा कर हुए मदीर आजम हुए सॉरी उन्हें बरतानिया की ऑयल कंपनी से मायदा खत्म करे चले वहाँ बरतानिया ये देवल में छा कर उन्हें नेवल ब्लॉकेट करे चले ईरान वो उनकी ईरान से तेल न पे खरीद करे चले सारी वक्त इजिप्त के अंदर एगो कमाल पाशा सॉरी पाशा जो गुना हुए उन्हें जे अंदर भी बेरूनी फोर्सेस जे स्विस के नाल ते बेटर हुई उन्हें चाहे बेटा स्विस के नाल नाल पहली फोटो मटायो ऐ असान तो पहली सॉरेटी क्लेम कर दी स्विस के नाल ते ऐ असान चाहे तो असान जैसे हुआ ऐ असान के लिए बुक करना भी डायरेक्ट का इंटरफेरेंस ना हो लाजमी कर रहा है बरतानिया साम्राज्य को यो हालांकि वर्ल्ड वार टू को कमजोर तो हो पर इन्हें मुल्कों का ताकतवर हो पाकिस्तान का कोई ताकतवर हो इतने बरतानिया की जगह फॉरन पॉलिसी या महारुखा ये होया तो उन्हें इन्हें के खिलाफ हो फौजी कार्रवाई करना भी क्या है इतने उन्हें जो आवाम की लीडरशिप पाकिस्तान में देखो तो पाकिस्तान की तरफ ना तो पॉजिटिव मैसेज ऐसा नहीं आ जी फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे पाकिस्तान के प्रेशर्स आया कॉमनवेल्थ के थ्रू तो बाबा कहां बरतानिया के साथ भी उन्होंने साथ ने पर और बता रखा था कि कहां चलो बाबा असा मुस्लिम उम्मा के साथ भी ना असा कॉमनवेल्थ जैसे आए पर असा मुस्लिम उम्मा के साथ भी ना ऐसा उन्होंने सब कर भी ना ऐ कागज में उन्होंने जरा राजा कसम सर जो ईरान के अंदर एक इन्वेस्टर की हिस्से पर रखे तो ईरान जी जो को पूरा मामला से तालुकात में आता है जब फर्जी तुतीदा ने कहा वाला लेटर्स पहला मात तुतीदा है ऐ उन्हें के राजा भजन और के लेकर दली का जो ये होता तमा इजिप्ट के अंदर ईरान के अंदर ये मस्ती उसका ने अंदर जितने भी बोल के उन्हें संप्रान समेत वो कहे उन्हें संगर बोल कहे ऐ तो मुश्तर का लाया मत कहे घना इसोलेशन फिकर था अंदर वो अलायंस की सूरत चाहिए था प्यावा या ऑर्गेनाइजेशन पर उन्हें जो था एक लोग मुश्तर का हिम्मत अपनी छाई के अंदर चार मेन इश्यूज डिस्कस करें सदी मुस्लिम उम्मा का दूरी नंबर वन ईरान के जो ऑयल और मसल हुआ बरतानिया की कंप्लेन सब वो डिस्कस करें वही ईरान की सॉवरेनिटी उनके क्लेम थे असा ईरान का डट पिछाई स्विस के नाम इजिप्ट जो है उन पे कहीं किस्म की इंटरफेरेंस उन अंदर ना होती असा जो जो कश्मीर जो मसल हुआ वो हल गए वही एंड फलस्तीन जो मसल भी जो हुआ है वो भी ना के अंदर शामिल रहे तो इंसान असल खबर पे थे नॉर्थ द लेटर अली खान फॉरेन पॉलिसी जी अंदर के ना सॉवरेनिटी की किनी उन्होंने अहमियत में लेनी ए लो कॉम्प्रोमाइज आई इयो उन जी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद में शामिल हुए द असा के मुसलमान मुल्क जे संगदल में आए उन्होंने इंटरेस्ट असन इंटरेस्ट है ऐसा इंटरेस्ट उन्होंने इंटरेस्ट है ऐसा भी गलती करे जितने भी असन मसला है मुसलमान मुल्क का हल करना होगा आई इन दे नास के बाय इंटरफेरेंस में ओके मैं चाहता हूं कि बाय इंटरफेरेंस में
तमाम खूबसूरती से लियाकत खान की खाला पॉलिसी है उनके बयान कर हाँ लियाकत अली खान तमाम घड़ी खूबसूरत ऐसी कोशिश कई उन्हें खाजा पॉलिसी डेवलप करने की कोशिश कई उन्होंने अहम किरदार है कश्मीर जो पे कश्मीर जो इशू खजे तो कॉमनवेल्थ अंदर वो लियाकत अली खान की डिप्लोमेसी सौ उन मुश्तफा के पुछदम त लियाकत अली खान ज आखिरी अल्फाज हुआ कड़ा हो लियाकत अली खान आखिर में चे तो राजा जीमानदार गजन फाते के कोई मैंने मिडिल ईस्ट की लाइ नई फाते पर से जीवन के बारे में तो कहा ले रहा था लेकिन इस काम में 16 अक्टूबर 1951 के कराची में दल दल के तैयारे में सफर कर था आई लेकर पा गजन था उते उन्होंने एक जलसे के खिताब पढ़ो हो नहीं मैं जलसे के खिताब करने आने शुरू ही जलसे थे तो उन्होंने पहला लफ्ज ये ही हुआ ईरान और इस्लाम ते सईद अकबर नाले जो कोई कोमरा और जो के तालुकात उधर प्यार करना पख्तून कबीले के हिस्सा हो गए वो अपना ट्राइबल एरिया से या मर के चला था अफगानिस्तान में आए लोग ने उन्होंने फायर किया है मेरे तली खान पे शहीद किया ये उन आखिरी अल्फाज ईरान और इस्लाम ऐ मॉल का लेखन था तारीख दान लेखन दादा उन्हें मैं लेकर तली खान जैसे जैसे ये ऐलान करने वाला हो जेके उन्होंने प्लान राजा गजनफर के देना हुआ असम चल के मुस्तान में यानी कि पॉलिसी से कि माता ने सवाल बुदा इन चार तरीके बेसिस पे प्रेशर के मुस्तान के अंदर ईरान ने जितने प्यार देखे उन पर गद्दी करें को नहीं लाए मन जो रुपया आई घना मानो लिखन दा कंस्पायर सिक्योरिटीज आई द जी संगे ने जे पोया का बर्तानिया साम्राज्य का साजिश हो जे या केजी बुझे या वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज में थे आई घणी शयूं आई घणी कंस्पायर सिक्योरिटीज है पर बजाय तो ही आए तो उनके सही जब पर आने जो हो हमरा ने शहीद कर आजादी का यकदम चार साल के अंदर महबूब लीडर उनका बयान दी यो दोस्त बुधायो तो लियाकत अली खान जो ईरान इस्लाम वो तो आखिर में चलो तो लियाकत अली खान की जो डेथ थे थी पख्तून ट्राइबल कबीले जो हमरा अकबर के नाले से जो उनके किल करे तो उन जा मकसद छा हुआ किल करना जा उनकी डेथ छो थी वे असाजा जो राइटर्स राइटर्स हजरात मानों के विच में जी असि आवाम है उनके विच में असि नाजरीन के विच में कड़ी गाल है तो उनकी डेथ थी है अज तीन जो उनकी डेथ मुतनाज़ है कंप्लीट उनकी है रिसर्च नी सकी है या जो उनकी कमीशन ठे थी उन कमीशन बाबत तब कमीशन क्यों ठे थी उनकी जांच कई वह कंप्लीट थी या नी जो कंप्लीट थी तो उनका फाइल किथे हुआ वो अहम इख्तियार 1958 या 54 के अंदर जो थे तो ऑनरेबल कोर्ट का वो इख्तियार हो पाकिस्तान हालत थे कोई मुख्तलिफ साजिशन के बारे चली हो घाई मानू क्राइम कर साजिश ना पर असान जो पढ़ो है तहकीक कई है उन्होंने बिल्कुल ही वादे थे तो इशारा मिलन था कान अपराधी फोर्सेस हुई हैं जिनकी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं खास कर लियाकत अली खान जो मामलो एडो एक्टिव थी करें फॉरन पॉलिसी की फ्रंट पे मेरा एक्टिव होया या चैलेंज कर रहा कॉमनवेल्थ के अंदर बरतानिया साम्राज्य के तो घड़ी साजिश थी जो पर जो उन्होंने जैसे शहीद किया उनका चवन था कि चवन था पंज कलाक अग में कि चवन एक दिन अग में अफगानिस्तान के कौंसुल जनरल जो पेशावर में हो अब्दुल कयूम वो तक गिरी वे तो यकटाबाद के अंदर जो सईद अकबर जो शहीद करे तो कातिल है जो नवाबजदा लियाकत अली खान जो उनके घर के घर के आसपास के मामलों के घर वाले लोग उतना लड़ी करे मिलन था लिया लेकिन तो एक प्री प्लान का शेयर हुई उनका अलावा लियाकत अली खान जी शहादत के लिए कमीशन भी जोड़ी गई पाकिस्तान में कमीशन को हमेशा नुकसान में रही मन कें कमीशन की वही की रिपोर्ट कहा वक्त तीन ना आया है कौमी दुरमान कमीशन हो जाए या कुछ हो जाए तारीख से ज्ञान था तारीख उन्होंने खबर हूँ अमीर उमर कमीशन छा तो लियाकत अली खान की शहादत की थी उन्हें सही किसे दे दी कमीशन बयानी रही जिन 10 महीने का रिपोर्ट भी 1952 के अंदर इन कमीशन के बेगम नाना लियाकत अली खान का घनी तशवीश नहीं हुई उन्हें रिजर्वेशन हो गया इन कमीशन की चेयर तो लियाकत अली खान की शहादत के पोया असा के मन घनी साजिश लगन थी इन साजिश में पढ़े से मुमकिन अलग
अभी साम्राज्य में कोई मुक्ति से बनना पर बेगर राणा लियाकत अली खान जो होता है डेलीबरेटली या नॉन डेलीबरेटली कमीशन दिया चंडा बोलियो जो होता है जो पुलिस है ऐसे पुलिस हुई या जो पांडे होता पंजाब पुलिस हुई सॉरी केपी के पुलिस है पंजाब पुलिस जेकी हुई उन्होंने जो ध्यान रखा था हटी हुई इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेशन कमीशन के जेर निगरानी हली हुई पुलिस ऑफिसर्स कमीशन जेकी आइंदा रहा बयान आइंदा रहा अगर मैं नाती जा रवायत को डॉक्यूमेंट थी कमीशन पाकिस्तान अकाइज ने ली रहे उनमें कमीशन के अंदर का भी मना जो सो गाल आउटपुट में तो भाई के शहीद कयो या ये तो मानो जो यूज थे कोया आ गया के होया के कंस्पिरेसी करने वाला उन के मकसद शाह होया उन के आवाम के आलो आंदो में कमीशन फुल रिपोर्ट के तय आवाम के आए इन सब रिपोर्ट में ये बताई और रहा था कमीशन जो जज ऑफिसर होयो नवाबजादा एजाजुद्दीन जो को पण एजाजुद्दीन जो को 1958 में 1952 के अंदर रो प्लेन क्रैश थे तो जेमे प्लेन के अंदर पे जो फाइल में इन्वेस्टिगेशन भी का सदी उन गई हुआ करे कराची खड़ी में रहा हुआ था जेल अब जेल करी वो प्लेन क्रैश थी तो नहीं आई हूँ कौन उन्होंने चेंज थी तो ऐसा जो दिन जो चाचा भी सर उन खां को गालियों गालियों का कैबिनेट के अंदर भाई स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ दो बनी स्कॉटलैंड इन्वेस्टिगेशन करे पर गालियों गालियों रही उनके अमल अजिताई कौन थे हुआ कमीशन की रिपोर्ट अजिताई सामने ना आई कमीशन के जो को मानो हो हेड एफसास होती उनके कितने शहीद कर रहे हैं वो आप सो हो या यहाँ भी का साथ शहीद मुझे पाया न कमीशन की अजिताई रिपोर्ट ना आई कुछ कमीशन की हाफ रिपोर्ट आई वो डैडी वेगर उनका आपसे क्लियर ना आई बेगम राणा लियाकत अली खान के अलग के रिजर्वेशन उन्होंने होया लास्ट टाइम होया जिस टाइम उपाल इंडिया को गलत करी गई अच्छा उन खां पो एजाजुद्दीन जो हो वो पाण शहीद थी उन दिन लास्ट में मुझे जगह गाल गई भाई 1958 के अंदर वरी लियाकत अली खान की शहादत जो कुछ वरी छो छो सर में थो ये 1958 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक केस आ गयो भाई केस के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के जज था लियाकत अली खान जी जेका मर्डर थे जेका कमीशन बैठी उनी फाइंडिंग सी फाइल हो रही अटॉर्नी जनरल जो लोग मतलब बाबा का फाइल खड़ी हो सही अटॉर्नी जनरल जो मुख्य मुजाफ को या कुछ ये जवाब लेने हो जी उनका वो उन्हें जवाब दो तो भाई फाइल के का है हुआ चीफ सेक्रेटरी को ये चीफ सेक्रेटरी असल पाकिस्तान चीफ सेक्रेटरी तो अदालत पूछे कि पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी के सामने के वो बताओ फाइल खड़ी है जो उसी दिन गुजरन का वो मुझे पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी अच्छे दो चाहिए तो सर फाइल का रिकॉर्ड्स लाए ना वो आई इतने मौत प्राप्त आखिरी लाइन में लिखा था पाकिस्तान में पहली वजीर आजम को सियासी अपमान के पाकिस्तान की आजादी का अहम किरदार अदा कर कौन जो जो उम्मीद हुई जो मानो कौन के लाभ कम भी करो वो उत्साह का मैंने शहीद के मानो के शहीद कर चले वरी उनकी कमीशन जुड़े थी कमीशन की रिपोर्ट बाहर करती है जी न सिर्फ कमीशन रिपोर्ट बाहर करती है जी जांच ऑफिसर खुद प्लेन क्रैश के अंदर शहीद थी तो वही वही कुछ साल का बोझने जज चवन का भाई वो फाइल में खड़ी जो कितनी फाइंडिंग्स थी वो फाइल भी हमें गायब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एडन सजेशन जो मैंने को सो सब्जेक्ट रहो है आई असन दुआ है कर अल्लाह से पाकिस्तान के आबाद रखे सलामत रखे आमीन मैं असन के सियासी अगवान है उनके लाहक दे उनके केड़ी लाहक दे जो नाव अंदर रखा तरीके काम कर दिया जी अंदर जाहिर है इनमें पाएगा लीडर तो कौन है पर उन्हें जो फुटप्रिंट्स के अंदर आते हैं पाकिस्तान करती जिराना नाम जो लोग नहीं असन जो सिलसिला जारी रहे तो जैसे चले मैं साथ आऊं के पाकिस्तान के जीकी ने प्रोग्राम आया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर उन जो बारे में शॉर्ट वीडियो स्ट्राइक करके हिस्ट्री के बारे में बताया जा सकता है ये दोस्तों मैं तो बात तमाम मुख्तर की से लियाकत अली खान जो जो चैप्टर हुए मुख्तर से तौर पे असि उन ये नहीं से पता सी ए लाडो लियाकत अली खान जी का डेथ है वो आज तक पुरसार है ए यहां डेथ जो का है असि लाडो हकीकत में पार्टी ने दी ए बदकिस्मत की सही चीज है तो असां जे मुल्क में का जांच कंप्लीट न थी सकी है हाणे जेको वेझराई के अंदर बेनरी साहिब जी जांच जेका अधूरी रहिजी वई ऐं पहिरियों असां जेको वधीक अथव लियाकत अली खान जेको लियाकत बाग में इहो जेको क़तलु थियो हुयो ऐं उन जी जांच अॼु ताईं अधूरी आहे उन ते सवे सवाल आहिनि ऐं उमेद त अव्हां दोस्त तहक़ीक़ कंदो त उन सवालनि जा जवाब अव्हांखे बि मिलंदा असीं कोशिशि कंदासीं अहम अहम सवालनि जा अव्हांखे जवाब ॾियूं ऐं अहम अहम सवाल ॿुधायूं जैसे अवं भी गोलन की कोशिश करें असन गोलन की कोशिश करें ये सिलसिलो असो जारी रहो दिसन नरसारींदा नाजर इंशाल्लाह असी कोशिश करनासी पाकिस्तान की तारीख के बाबत पाकिस्तान की सियासत के बाबत हर पहलू के मद्देनजर की उन के खणी अचू अवं पहुंचाई ये अहम मालूम अवी अस जाने सकूँ एक अहम सवाल का जवाब पान के लिए मुतमिन कर सकूँ मेहरबानी।